डिनर पे जाने की बजाय कहाँ जा रहे हैं? नीलम के घर। नीलम के घर क्यों? हम दोनों को एक साथ इतना खुश देखे, उसकी शक्ल देखने वाली होगी। I'm dying to see a reaction. मजा आएगा। वैसे कितनी गलत बात है नीलम, अरे तुम हमारी शादी पर नहीं आई, इतना मिस किया तुम्हें हम लोगों ने। खैर हमने सोचा कि अगर तुम नहीं आई तो हम ही चल के तुमसे मुबारकबाद ले लेते। बहुत बहुत मुबारक हो। बस that's it? हबीर भाई तुम्हारी दोस्त कितनी बेमुरव्वत है, पहली दफा नए नवेले दुल्हा दुल्हन घर पे आए हैं, कोई खातिर तवासो नहीं, कोई मेहमान नवाजी नहीं। नहीं औकात नहीं है तुम दोनों की कि अपने घर में बिठा। ये तुम्हारे अंदर का गुस्सा और जेलसी बोल रही है नीलम। आज मेरे साथ अबीर को खड़ा देगी, मुझे ठुकराने का अफसोस तो हो रहा है। खुशी हो रही है मुझे कि मेरे ठुकरा देने के गम और गुस्से में तुमने इससे शादी कर ली। ये बकवास कर रही हो। जुनैद मुझसे मोहब्बत करता है और हमेशा मोहब्बत करेगा इंशाल्लाह। तुम अपनी हसद 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 नहीं, खुश हूं मैं कि वक्त आने से पहले तुम दोनों की औकात सामने आ गए। जितनी मुतमईन नजर आ रही हो ना उतनी अंदर से वो नहीं। इस वक्त तुम्हारे अंदर जो आग और जलन है हम दोनों को एक साथ देख के वो मैं समझ सकती हूँ। काश अबीर, काश तुम्हारी नजरें देखने वाली होती तो मुझे मुतमईन देख के जो तुम्हारे शौहर के अंदर आग लग रही है ना, काश वो तुम देख सकते। वैसे एक बात कहूं, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी तुम दोनों, आखिर दोनों एक जैसे मिल जो गए है ना, अच्छी गुजरेगी। बेचारी बहुत ही मुश्किल से खड़ी थी हमारे सामने, उसे एक एक बात का अजियत और जहर बन के निकल गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था हम दोनों को इतना खुश एक साथ देख के वो किस तरह से रिएक्ट। आग थी नीलम के अंदर, उफ, और जलन वाली नीलम की शक्ल देखे ना मुझे तो बड़ा मजा आ गया। अपनी तरफ से मुझे बेस्ट फ्रेंड कह, ऐसे ही होना चाहिए था, हमें दिखाना चाहिए। क्या मैंने कहा ना अभी और इसी वक्त उतरो गाड़ी से। जुनेद क्या हुआ अभी? तुम दोनों तो डिनर के लिए गए थे। भाड़ में गया डिनर, पहले मुझे नीलम के घर लेके गया, वापसी पे मुझ पे गुस्सा किया, चीखा मुझ पे, और फिर बीच रोड में मुझे छोड़ के चला गया। जो कुछ भी हुआ लेकिन तुम्हें जुनेद के लिए इज्जत से बात करनी चाहिए, वो शौहर है तुम्हारा, इज्जत करो उसकी। वो मेरा शौहर है तो मैं उसकी इज्जत करूं? ये बात प्लीज आप उसे भी समझाएं, मैं भी उसकी इज्जत बीवी हूं उसकी, वो मेरी इज्जत करे। हाँ ये सब ठीक है अबीर, लेकिन तुम्हें हमसे और खास तौर से खाला से अपना लहजा संभाल के बात करनी चाहिए। मुझे आधी रात में बीच रोड पे छोड़ के वो चला गया,
मैं किस हाल में किस तरह घर वापस आई हूँ ये तो आप में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा। जाहिरी बात है मुश्किल से पहुंची होगी, लेकिन झगड़ा तुम दोनों का है, तुम दोनों ही सवाल। अच्छा तो फिर ठीक है, अब जब मैं जुनेद पे गुस्सा होंगी तो आप में से कोई भी हम दोनों मियां बीवी के बीच में आके कोई बात। जुनेद, जुनेद अभी तक घर नहीं आया, वो आता है तो मैं खुद सख्ती से बात करती हूँ उससे कि क्या हरकत की है उसने। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग नीलम के यहाँ गए क्यों। वो नीलम को जलाना चाह रही है। तुम्हें खुद को जलाने की क्या जरूरत है इस वक्त, वो आता है तो बात करती हूँ, कहा ना तुमसे। तुम आओ बैठो हमारे साथ खाना खाओ। कोई खाना वाना नहीं खाना मुझे। बहुत बदतमीज बदजबान लड़की गई है। हाँ लेकिन देखो ना जुनेद ने हरकत भी क्या की। अम्मी वो ऐसी हरकतें करता रहेगा, आज नीलम तो कल कोई और लड़की। आहिस्ता बोलो, इसने सुन लिया तो कयामत खड़ी हो जाएगी। अम्मी उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। जब अपना सिक्का खोटा हो तो हम किसी को क्या इल्जाम दें। अब उसकी जिम्मेदारी है कि इस खोटे सिक्के को खरा करे। खाला मुझे नहीं लग रहा कि ये रिश्ता ज्यादा चलेगा। ना ना करे। कौशल जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। कमजोर लग रही हो मुझे, तुमने पता नहीं ठीक तरह से कुछ खाया भी है कि नहीं? नहीं मुदस्सिर, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं भी देख रही हूँ, मेरे और अब्बू की तो हर जरूरत पूरी करती हैं आप, मगर अपना नहीं रख रहे। क्या मसला है बताएं ना। कोई मसला नहीं है। फलक ठीक कह रही है कौशल, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर मसले का हल दिया है। बताओ क्या बात है। अरे कहा ना कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर होती तो जरूर बता देती। वो अभी आई, किचन देख लूं जरा। फलक इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुम जाओ माँ का, माँ के पास जाओ। जाओ If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.